जस्ट एट मैजिक के सीजन टू की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इसका सीजन वन पहले से हमारे चैनल पे अपलोडेड है तो इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनने और समझने के लिए आप उसे जरूर देख लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लास्ट सीजन के एंड पे हमने देखा था कि मामा पी के टाउन को फ्रीज करने पर क्या ले डार्बी और हैना ने मिल के एक स्पेशल रेसिपी बनाई जिससे टाउन तो अनफ्रीज हो गया पर उसके साथ साथ जितने भी मैजिक कर्स और शीर थी, सब टूट गयी अब इस वजह ऐसी ख्याल की ग्रैंड जीना और मिसेस सिल्वर्स को डर है कि चक का कर्ज भी टूट चुका होगा और अगर वो वापस आ गया तो अच्छा नहीं होगा वही सीन्स एक लड़के पे शिफ्ट होते हैं जिसकी शक्ल तो नहीं दिखाई जाती पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चक ही है जीना इस सब की वजह से बहुत परेशान है पर सिल्वर्स को अभी भी यकीन नहीं आता की कोई पचास साल पहले गायब हुआ इंसान अब वापिस आ सकता है इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए ये लोग एक डिश बनाने का फैसला करते हैं जिसका एक इंग्रेडिएंट इनके पास नहीं होता और वो सिर्फ हेलोविन वाले दिन ही उगता है इस वजह से सब मायूस हो जाते हैं पर रात को कैली अपनी फ्रेंड्स के साथ छुपके से एक डिश बनाती है जिससे ये तीनों पास्ट में हेलोविन वाले दिन में पहुँचती है ताकि सिल्वर्स के घर से वो इंग्रेडिएंट ले सके ये करना इन तीनों के लिए इनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल साबित होता है इसमें इन्हें अपनी पास्ट आइडेंटिटी से तो छुपना पड़ता है साथ ही इंग्रेडिएंट हासिल करना इनके लिए इतना आसान नहीं होता पर फिर भी तीनों जैसे तैसे करती आखिर इंग्रेडिएंट लेके वापस प्रेजेंट में आ जाती हैं जिसके फौरन बाद ये तीनों जीना और सिल्वर्स के साथ मिलकर चक की लोकेशन ढूंढने के लिए सूप बनाती हैं पर उससे इन्हें कुछ पता नहीं चलता यानी चक टाउन में नहीं आया ये सब सिर्फ जीना का वहम है या सच है ये तो अब आगे ही पता चलेगा क्या लिहाना और डार्बी अब चक वाली टेंशन से फ्री हो के पूरा समर वेकेशन मैजिक ना करने का फैसला करते हुए एंजॉय करने लगते हैं तभी इन्हें जैक मिलता है जो इन्हें अपनी न्यू फूड बाइक दिखाता है क्योंकि उसकी पिछली वाली मामा पीले के टाउन से निकल गई थी और अब वो पेरिस में अपना न्यू कैफे चला रही है रात कैली और उसके फ्रेंड्स को ड्रीम में वही ट्रैवलर नजर आती है जिसने इन्हें बुक दी थी वो इन तीनों को वार्न करती है की बुक खतरे में है और इन्हें ही उसे प्रोटेक्ट करना होगा यहाँ जीना को अभी भी यकीन है की चक वापस आ चुका है इसलिए ये तीनों जीना के लिए परेशान हो एक आखिरी रेसिपी बनाने का फैसला कर हैं। ये तीनों मिलके वो डिश बनाती हैं, जिसे कैली जीना को खिला देती है अब जक तो सामने नहीं आता पर हर दूसरा बंदा जिसे जीना से कोई मसला या शिकायत थी वो आकर उसे बताने लगता है इसी सब में मामा पी भी पेरिस से यहाँ पहुँच जाती है सब मिल मामा पी के कैफे में इस मसले का हल ढूंढ ही रहे होते हैं की चक वहाँ पहुँच जाता है जिसे देख सिल्वर शौक ऐसी बेहोश हो जाती है फिर ये सब अपना होश संभालते हुए चक से बात शुरू करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो तो अपनी मेमोरीज ही खो चुका है जीना को तो उसपे अभी भी यकीन नहीं आता पर बाकी सब उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं उसे उस फेस्टिवल के बाद कुछ याद नहीं था और उसका कहना था कि वो पार्क की बेंच पे सोता रहा है मज़े की बात ये कि उसकी एज भी वही रुकी थी वो आज भी एक टीन लड़का ही था ये सब मिल सोच ही रही होती है की आगे क्या करना है तभी वो वहाँ ऐसी फिर भाग निकलता है क्यूँकी इन सब के बिहेवियर ने उसे डरा दिया था क्या अपनी फ्रेंड्स के साथ मिल के चक्का ट्रस्ट इतने के लिए डिश बनाती है जिस चक्क को खिला के वो तीनों उसकी फ्रेंड्स बन जाती हैं। उसकी नाइन्टीज की ड्रेसिंग चेंज करके वो उसे सिल्वर्स के घर रहने का बोल देती है फिर डार्बी को एहसास होता है कि उन्होंने चक का यकीन तो जीत लिया है पर इस मैजिक के असर की वजह से कैली बहुत शक्की हो गई है उस पे इस स्पेल का असर खत्म करने के चक्कर में डार्बी और कैली पे रिवील होता है कि हैना समर के बाद न्यू स्कूल में जा रही है साथ ही जीना इन तीनों को बताती है कि उसने अपना मॉर बी सीट चक को वापस लेने के लिए इसीलिए नहीं कहा क्योंकि चक ने उसका सीट भी चुरा लिया था लेकिन कैली को उनकी इस बात पे यकीन नहीं आता उसे लगता है कि जीना उनसे कुछ छुपा रही है सीन्स चक पे शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि उसकी मेमोरीज वापस आ गई है यानी अब वो वापस वो ही खतरनाक चक बन चुका है डार्बी इन दोनों से मिल के इन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स वापस साथ आ रहे हैं जिस पर वो बहुत खुश है अब ये तीनों इस मिस्ट्री में फंसी है की कहीं इनके सीनियर्स जिन्हें ये ओसीज के नाम देती है उन्होंने चक को देने वाले कैरमल एप्पल में कुछ मिक्स तो नहीं किया था ये पता करने के लिए तीनों एक डिश की मदद से पास्ट में उसी डे में पहुंचती है जब उसी ने कैरमल एप्पल बनाया था पर उन्होंने रेसिपी में ऐसा कुछ नहीं डाला जिससे चक गायब हो जाए पर ये उसके गायब होने के बाद वाले मौके पे पहुंचती है जहां इन्हें कोई क्लू तो नहीं मिलता पर जीना का मोरबियम सीट चक के गायब होने के बाद भी उसके पास मौजूद था यानी उसने क्याली ऐसी झूठ कहा की उसका सीट चक ने चुरा लिया था उस इस चक वाले मसले को हल करने के लिए वापस साथ आ जाती है वहाँ चक कैली के पेरेंट्स के दिल जीत के उनके करीब आना शुरू हो जाता है ताकि घर में घुस सके यहाँ डार्बी को पास में जाने वाली डिश खा के पता चलता है कि उसके पेरेंट्स साथ नहीं आ रहे बल्कि उसे खुश करने के लिए सब फेक कर रहे हैं जिस पर वो काफी उदास हो जाती है चक कैली के डैड की मदद से एटिक तक पहुँच जाता है जहाँ कैली ने बुक छुपा के रखी है सीन्स कैली पे शिफ्ट होते हैं जो सिल्वर के घर जा के अपने पास में जाने वाले टैको यूज करके उस दिन में जाती है जहाँ सिल्वर्स ने चक को बुक दिखाई थी पर कैली देखती है कि चक बुक को हाथ नहीं लगा पाता और तभी वहाँ ट्रेवलर आके उसे बुक से दूर रहने को कहती है और कैली को चक से बच के रहने को कहती है कैली ये देख डर जाती है कि पास में ट्रैवलर उससे कैसे बात कर रही है मजीद ये कि चक ट्रैवलर को जानता है इसी परेशानी में वो घर पहुँचती है तो अपने डैड से उसे पता चलता है चक एटिक में है वो फॉरन एटिक में जा है और देखती है कि अभी भी चक बुक को टच नहीं कर पा रहा है ख्याली उसे वार्न करते अपने घर से निकाल देती है चक पार्क में जाके मैजिक से अपनी इनविजिबल वैन सामने लाता है जहाँ वो इतने सालों से छुपा हुआ है अंदर जाके वो एक ट्री ट्रंक पे ख्याली और उसकी फ्रेंड्स की पिक्चर रखता है जिसकी जगह अचानक कुक बुक जैसे आ जाती है वहाँ जीना ख्याली को मजीद ध्यान रखने को कहती है क्योंकि लास्ट टाइम चक जब कामयाब नहीं हो रहा था तो उसने इनकी फैमिलीज को अटैक करना शुरू कर दिया था इसी वजह से मामा पी के फादर की जॉब चली गई और सारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। डार्बी इन दोनों को मिल बताती है कि वो अपने डैड और उनकी न्यू गर्लफ्रेंड एमी के साथ शेफ जैसपर के न्यू और बहुत फेमस रेस्टोरेंट में लंच पे जा रही है जिसकी वजह से मामा पी का कैफे बिल्कुल चलना बंद हो जाता है वहाँ पहुँच के डार्बी देखती है की चक कैली के फादर के साथ वहाँ मौजूद है जिस पर परेशान हो के कैली और हैना को इस बारे में बताती है हैना सिल्वर्स के साथ मिल कैली के डैड को चक ऐसी बचाना के लिए डिश बनाने चली जाती है जबकि कैली खुद यहाँ रह के अपने डैड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है आखिर में हैना की बनाई हुई डिश से कैली के फादर चक के जाल से बच निकलते हैं उसी डिश की वजह से जैक जेस्पर के साथ काम करने से इनकार करके वापस मामा पी के पास चला जाता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना के उनके साथ काम शुरू करता है सीन्स को बुक पे शिफ्ट होते हैं जिसके अंदर से पेजेस खुद ही निकल के कहीं जाने लगते हैं सीन्स पास्ट में फेस्टिवल वाले दिन पे शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि चक की मेमोरीज ट्रैवलर की कुछ खा के अपना सेक्रीफाइस देने की वजह से गई थी इन सब को चक से जीतने और बुक पे बने वाले साइंस के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता इसीलिए जीना अपनी सीक्रेट रेसिपी की मदद से ट्रैवलर से बात करने की कोशिश के लिए चली जाती है जबकि क्याली हैना और डार्बी जैक को मुश्किल में देख उसकी बाइसिकल सही करने के लिए डिश बनाती है और उसे खाके जैक की बाइक ठीक भी कर देती है पर फिर भी उनका मैजिक खत्म नहीं होता इसी मैजिक के असर में ख्याल बुक के साइंस को नंबर्स में बदल देती है जैक से मिल उन्हें पता चलता है कि मामा पी ने टाउन के बारे में फेस्टिवल वाले दिन जो कुछ बोला था उसकी वजह से अब जैक के उनके एम्प्लॉय होने की वजह से कोई उसे काम नहीं दे रहा है यानी अब इन तीनों को मामा पी की रेपुटेशन ठीक करनी होगी तभी जैक का मसला हल होगा और इनका मैजिक खत्म होगा इसीलिए ये तीनों मामा पी के कैफे में एक पार्टी रखने का फैसला करती है जहाँ मामा पी सबसे माफी मांग की सब ठीक करेंगी जीना के ड्रीम में ट्रैवलर आ तो जाती है पर वो किसी मुश्किल में नजर आती है और बस रोज कह पाती है कैफे में पार्टी के दौरान सिल्वर अपना फेयर साइड पे रखते हुए पियानो बजाती है मामा पी सब ऐसी माफ़ी मांग लेती है इन शॉर्ट सब ठीक हो जाता है और स्पेल भी खत्म हो जाता है जीना कैली के घर आने पर उसे ट्रैवलर के बारे में सब बता देती है पर कोई भी कुछ समझ नहीं पाता वहाँ पार्टी से पहले जब कैली और उसके फ्रेंड्स ने मामा पी की पैंट्री खोली थी तब मामा पी ने वहाँ से एक इंग्रेडिएंट निकाल लिया था जिसकी मदद से वो अपनी पैंट्री पे लगा मैजिक लॉक खोल लेती है सीन्स पास्ट में सिल्वर्स और चक पे शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि चक को सिल्वर से भी ज्यादा मैजिक की नॉलेज है वहीं प्रेजेंट में चक सिल्वर्स के घर से कुछ इंग्रेडिएंट्स चुरा लेता है डार्बी और हैना मैजिक से ब्रेक लेने के लिए डोनट शॉप जाने की बात करती है पर कैली अपनी मदर को मेयर ऑफिस में स्पीच के लिए हेल्प करने वहीं रुक जाती है वहाँ सिल्वर्स जीना को चक के उसके घर से इंग्रेडिएंट चुराने का बताती है जिस पर दोनों परेशान हो जाती है कैली अपनी मॉम की हेल्प करने के बाद बुक देखती है तो उसमें बने साइंस नंबर्स में बदल चुके थे जो कैली के हिलने से आगे पीछे हो रहे थे कैली उन्हें फॉलो करते हुए चक की इनविजिबल वैन तक पहुँच जाती है पर उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता है इसीलिए वो सीधा हैना और डार्बी के पास पहुँच के उन्हें बताती है की उसे वहाँ चक के होने का एहसास तो हुआ पर कुछ नजर नहीं आया अब चक का रास खोलने के लिए ये तीनों इनविजिबल चीजें देखने वाला पाई बनाते हैं जिसे खा के क्या इनविजिबल हो जाती है और वो तभी विजिबल होगी जब वो अपना टास्क पूरा कर लेगी चक मामा पी के पास आके इंग्रेडिएंट के बदले उन्हें उनका मॉर्बियम सीड देने की डील करने की कोशिश करता है पर मामा पी उसे मना कर देती है चक की वैन ढूंढने से पहले वो तीनों मामा पी के कैफे में उस चीज को चक के बारे में बात करते देखते हैं जहाँ चक के ऐसे इंग्रेडिएंट्स का पीछा करने वाली बात जीना कैली से छुपाने को कहती है जो सुन के कैली को अच्छा नहीं लगता है आखिर ये तीनों चक की वैन तक पहुंच जाती है जहां जाके कैली और वैन दोनों विजिबल हो जाते हैं अंदर जाने पर ये तीनों देखती हैं कि वहां भी इनकी कुक बुक जैसी सेम बुक है पर उसमें बस वही रेसिपीज हैं जो ये तीनों बनाती हैं। यही जो पेजेस गायब हो रहे थे वो चक की बुक में जाने लग गए थे बुक पे किसी स्पेल की वजह ऐसी तीनों वो बुक ले नहीं पाती और चक के वहाँ आने की वजह ऐसी भाग निकलती है घर आके अपने स्पेल को चक की बुक ऐसी वापस लेने के लिए कुक करती है पर मैजिक उल्टा पड़ जाता है इनकी रेसिपीज वापस आने के बजाय उल्टा इन्हीं की बुक से रेसिपीज मजीद तेजी से चक की बुक में जाने लगती हैं। वहाँ उसी चक को मामापी वाला कर्ज दे के दूसरे टाउन में कैद करने का सोचने लगती है ऐसे वो इनके इंग्रीडियंट चोरी नहीं कर पाएगा सीन्स वापस इन तीनों पे आते हैं और ये चक ऐसी बुक चोरी करने का फैसला करती है जिसपे काम चल ही रहा होता है की हैना को अपने नए स्कूल की फ्रेंड से मिलने जाना पड़ जाता है कैली और डार्बी हैना के बगैर ही अपना मिशन आगे बढ़ाने लग जाती है वो पावर वाले डिश बना के खाती है जिससे कैली को बॉडी स्ट्रेंथ मिलती है और डार्बी को माइंड की दोनों चक्की वैन में पहुँचती है जहाँ कैली बुख तो पकड़ लेती है पर वैन में ट्रैप हो जाती है ये देख डार्बी हेल्प लेने जाती है मामा पी और चेक कैली को वैन से निकालने के लिए डार्बी के साथ रेसिपी बनाने चले जाते हैं जबकि चक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लोग सिल्वर्स को भेज देते हैं चक सिल्वर्स को बताता है कि वो बस उन्हें इस्तेमाल कर रहा था जबकि उसकी ये कहानी तो बहुत पहले की है सिल्वर्स तो बस उसको बुक तक ले जाने के लिए एक मोहरा थी वहाँ मामा भी रेसिपी बना के क्याली को आजाद कर लेती है और इन सबको वहाँ से भेज के चक की वैन से अपना मॉरबियम से ढूंढ निकालती है यहाँ कैली हाना और डार्बी को चक की वैन से मिलने वाली इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखाती है जो बहुत ही अजीब थी आधे इंग्रेडिएंट्स तो इन लोगों ने भी कभी नहीं देखे थे अब चक का क्या प्लान है ये तो आगे ही पता चलेगा अब भी इनका मसला हल नहीं हुआ था रेसिपीज अभी भी चक की बुक में जा रही थी यहाँ चक को पता चल जाता है कि उसकी बुक और मोरबीम सीड गायब है इसीलिए वो ओसी हैना कैली और डार्बी को स्लीप मैजिक से कर्ज कर देता है अब अगर उन्होंने चक को बुक और सीड वापस ना किया तो ये सब एक साल के लिए सो जाएंगे चक के इस कर्ज को तोड़ने के लिए ये सब बहुत कोशिश करती है आरोप आखिर में कोई रास्ता ना बचने आरोप इन्हें चक को बुक और सीट वापस करना ही पड़ता है पर इसी सब में कैली आरोप रिवील होता है कि उसके ग्रैंड माँ ने अपना मॉरबियम सीट ओसीस चीज की बुक के लिए प्रोटेक्टरशिप खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया था यही उन तीनों के बीच लड़ाई की वजह भी बना था खैली भी अपनी ग्रैंड माँ ऐसी झूठ बोलने पर नाराज हो जाती है जब वो घर बैठी हैना और डार्बी ऐसी ये बात कर रही होती है तभी उन्हें बुक में एक लास्ट रेसिपी मिलती है जिसे कुक करके उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ये तीनों कुक बुक को आग लगा देती है इनके बुक के साथ साथ चक की बुक भी जल जाती है पर अच्छा ये होता है कि वो बुक जलते ही इन्हें इनकी बुक सही हालत में वापस मिल जाती है इसके फौरन बाद ओसीस चक को टाउन के बाहर स्पेल से कैद कर देती है पर वो फिर भी नहीं रुकता है जेक को धोखे से वहाँ बुला के मैजिक की मदद से उसकी बॉडी में जाके वहाँ से निकल वापस कैली लोगों के पीछे आ जाता है कैली इस खतरे से अनजान मैजिक से डार्बी के फादर को स्पेल कर देती है ताकि वो डार्बी के साथ ज्यादा टाइम गुजार सके पर इस चक्कर में डार्बी के फादर एमी की बर्थडे मिस कर देते हैं जिस पर एमी उनसे अपना रिश्ता खत्म कर देती है ये डार्बी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो एमी से माफ़ी मांगते हुए उसके साथ अपने टर्म्स अच्छे कर लेती है और उसे वापस अपने डाइट के साथ सब सही करने के लिए मना लेती है कैली के बहुत ज्यादा मैजिक यूज करने पर आरोप हैना और डार्बी उसे बुक ले लेते हैं जिस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से जेक के पास जाती है उसे जेक पे शक होता है इसीलिए वो अपने पास बचे हुए इंग्रेडिएंट्स की मदद से लोगों के सीक्रेट जानने वाली डिश बनाती है जिसे खा के सब कैली को अपना सीक्रेट बताते हैं पर जैक उसे कुछ नहीं बताता है जो कैली को मजीद अजीब लगता है फिर घर पहुंच के कैली के डैड उसे बताते हैं कि वो एक आदमी से मिलने वाले हैं जो उन्हें जीना के अचानक आवाज खो जाने की वजह बताएंगे ये सुन के परेशान हुए कैली जीना के साथ उनका पीछा करते हैं कैली के डैड बाहर आके उन्हें बताते हैं की उस आदमी का कहना था की कि ग्रैंड किसी मैजिक स्पेल की वजह ऐसी नहीं बोल पा रही थी आरोप तब कोई भी उस आदमी को सीरियस नहीं लेता हैना और डार्बी कैली को कुक बुक में खुद ही नजर आने वाली लड़की की पिक्चर दिखाती है जिसके बालों में रोज भी था ये देख अब ये तीनों और ओसीस उस लड़की का राज निकालने में लग जाती है पर उससे पहले उन्हें जेक की बॉडी ऐसी चक को निकालना था जो करने के लिए ये लुक सिल्वर्स का मॉर्बियम सीड इस्तेमाल करती है इससे चक तो जैक की बॉडी ऐसी निकल जाता है पर चक के स्पेल की वजह ऐसी हैना की तबीयत खराब हो जाती है थोड़ी ही देर बाद इन पे रिवील होता है कि वो बुक में जाने लग गई है क्योंकि बुक पे आहिस्ता आहिस्ता उसकी पिक्चर बनने लग जा आती है और यहाँ रियल वर्ल्ड में उसकी तबीयत खराब हो रही होती है तभी इन्हें एहसास होता है कि रोज को भी चक ने ही बुक में डाला होगा अब इस रात से पर्दा हटाने के लिए जो इन्हें कैली के मॉम के सामान से पिक्चर मिली थी उसके हिसाब से चक चार्ल्स है और वो ओसी के टाइम से भी पहले का है तो इसीलिए लिए उसके बारे में मजीद जानने के लिए कैली की मॉम की ऑफिस रिकॉर्ड देखने चली जाती है यहाँ कैली अपने फ्रेंड्स के साथ कुक करती है दोनों टीम्स को एक साथ ही पता चलता है की रोज चार्ल्स की बहन थी और ये दोनों अपने टाइम की अमीर फैमिली से थे चार्ल्स और रोस बुक के प्रोटेक्टर्स थे चार्ल्स ने इमोटैलिटी के लिए रोज को धोखे से बुक में कैद कर दिया यही वजह है कि आज तक उसकी एज बिल्कुल नहीं बढ़ी अब वो हैना को बुक में डाल के रोज को निकालना चाहता है मजीद ये की हैना उसके मैजिक के असर में होने की वजह ऐसी बुक के साथ उसके पास पहुँच जाती है ओसी स्कैली और डार्बी वहाँ पहुँच के चक के अंदर का अच्छा इंसान जगाते हैं उसे उसकी गलती का एहसास दिला के ऐसा करने से रोकते है जिसके बाद हैना के ऊपर से मैजिक का असर खत्म हो जाता है सिर्फ यही नहीं जबकि अपनी गलती मानने से उसकी बहन रोज भी बुक से बाहर आ जाती है जिसके बाद दोनों उसी दिन जब रोज बुक में गई थी वापस जाके अपनी जिंदगी वापस से जीने लगते हैं यहाँ ये मिस्ट्री सॉल्व करके ये सब सुकून का सांस लेते हैं और कैली अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी बची हुई समर वेकेशन इंजॉय करने लग जाती है इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग